अनुमति हो तो शुरू कर लें। कल शाम मोदी मंत्रिमंडल ने देश के किसान पर एक और हमला बोला। जब गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली बीमा प्रीमियम राशि में 100% कटौती कर दी और देश के किसान को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, ये और कुछ नहीं बड़ी शानो शौकत से अनाउंस की हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पर तालाबंदी करने का एक कदम है। आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2% राशि देश का किसान देता था और बाकी राशि में 50% केंद्र सरकार और 50% प्रांतीय सरकार देती थी। कल एक तुगलकी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी मंत्रिमंडल ने किया और ये कह दिया कि केंद्र सरकार की बीमा प्रीमियम राशि के 50% की बजाय वो केवल 25% ही देंगे, यानी 100% कटौती कर दी। इसका नतीजा क्या होगा? अब किसान को 2% जमा 25% जो कटौती हो गई है उसे 27% बीमा प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी जो वो भर ही नहीं सकता और नतीजा यह होगा कि किसान बीमा करवाने में असक्षम हो जाएगा और उसे मौसम की मार और बदहाली की कगार पर लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं 27% बीमा प्रीमियम राशि किसान भर नहीं पाएगा, बीमा होगा ही नहीं। इसे कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पीएम फसल बीमा योजना लागू करते हुए सीहोर मध्य प्रदेश में 17 फरवरी 2016 को अपनी स्वयं की बात याद करेंगे? और मैं आई कोट, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कोट, इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया गया। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दिया लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी तो उस पर कैप नहीं लगेगा, अनकोट। जब मोदी जी 12% प्रीमियम को लूट बताते हैं तो मोदी जी अब 27% प्रीमियम क्या है? क्या ये लूट नहीं? जब आप प्रीमियम पर 2% कैप लगाने का देश के किसान से वादा करते हैं तो आज आप क्या कर रहे हैं रातों रात 27% प्रीमियम करके? इसका जवाब मोदी जी को देश को देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब भारत सरकार अपने हिस्से के प्रीमियम राशि का भुगतान ही नहीं कर रही तो फिर प्रांतीय सरकारों को उनके हिस्से का 50% प्रीमियम बीमा फसल बीमा प्रीमियम राशि देने के लिए बाध्य कौन करेगा? और अगर केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रांतीय सरकारों ने भी यह निर्णय ले लिया कि वो भी बीमा प्रीमियम राशि का 50% नहीं 25% देंगे तो किसान पर तो 57% का बोझ आ जाएगा, तो बीमा फसल बीमा योजना बंद हो जाएगी। तीसरी बात, मोदी सरकार ने एक और तुगलकी निर्णय कल रात को लिया फसल बीमा योजना को लेकर और यह कहा कि अगर प्रांतीय सरकारें बीमा प्रीमियम में अपना हिस्सा देने में देरी करेंगी तो उस प्रांत में फसल बीमा योजना ही बंद कर दी जाएगी। आई रिपीट, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने, यह उनके मंत्रिमंडल का निर्णय है,
कल यह निर्णय भी लिया कि अगर प्रांतीय सरकारें किसी वजह से फसल बीमा प्रीमियम राशि देने में देरी करेंगी तो उस स्कीम को ही बंद कर देंगे उस प्रांत में। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई, सजा किसान को और कसूर प्रांतीय या केंद्रीय सरकार का।